पौड़ी में दुर्घटनाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह टिमटी खार कस्याड़ी से हरिद्वार जा रही टाटा सुमो कुराण बैंड के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान टाटा सुमो में सवार सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए हंस अस्पताल चमोली सैंड उपचार के लिए ले जाया गया है। स्थानीय निवासी मनीष कुकसार ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली कि कुराण बैंड के समीप एक टाटा सुमो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों के साथ SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू अभियान में जुट गई और वाहन में सवार सभी 9 लोग वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। आज सुबह 6 बजे स्थानीय निवासी अमित रावत अम्मू द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक टाटा सुमो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त टाटा सुमो को लेकर पुलिस और SDRF को सूचित किया गया। SDRF और पुलिस दोनों मौके पर पहुंची, रेस्क्यू अभियान चलाया गया जो कि तिमलीखाल कस्याणी से हरिद्वार के लिए जा रही थी। वहीं कुलाड बैंड के समीप दुर्घटनाग्रस्त होकर के नीचे खाई में गिर गई, जहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। उसमें लगभग 9 लोगों की संभावना जताई जा रही, जिनको जो कि घायल हैं। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं, उन सभी को हंस अस्पताल चमोलीसैंड भेजा गया है जहां पर उनका उपचार चल रहा है। उत्तराखंड में चर्चित उद्यान घोटाले में CBI की ओर से कई कर्मचारी और अधिकारियों पर की गई FIR और गिरफ्तारी के मामले में कांग्रेस अब सड़क पर आ गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उद्यान मंत्री गणेश जोशी का इस्तीफा भी मांगा है। हल्द्वानी में कांग्रेस ने उद्यान मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा उद्यान विभाग में घोटाले में कर्मचारी और अधिकारियों के साथ ही उद्यान मंत्री की संलिप्तता भी है। विभाग में जो कर्मचारियों के ऊपर मुझे लगता है उनके विभाग ने उत्पीड़न का काम किया है, क्योंकि जब भी कोई घर में काम होता है तो परिवार के मुखिया को शाबाशी दी जाती है। उसी प्रकार गणेश जोशी तत्काल प्रभाव से उनको इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर परिवार में कुछ भी गलत होता है, विभाग में कोई गड़बड़ी होती है, तो सबसे बड़े मुखिया वही है, तो उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। द्वारा चर्चित उद्यान घोटाले में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुकदमे का मामला सामने आया है, उसकी कांग्रेस परिवार घरों निंदा करती है। उसी के चलते आज हम सभी लोग यहाँ पे राज्य सरकार का पुतला दहन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी लोगों का यही कहना है कि सरकार से जल्द उद्यान मंत्री श्री गणेश जोशी जी अपने तत्काल इस्तीफा दें। मंत्रालय में जिस तरीके से उद्यान घोटाला में आज कुछ अधिकारियों को नाम आए हैं और जिस तरीके से उन अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, तो हम लोगों को ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार में इसमें जो गणेश जोशी है वो मंत्री रह चुके हैं, मंत्री हैं, और उनका भी कहीं ना कहीं पर इसमें संलिप्तता पाई जाई है, लोगों के मुंह से बात आती है, तो हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की पूरी जाँच हो, और जब तक ये जाँच नहीं हो जाती है, पूरी नहीं हो जाती है, तो ये गणेश जोशी इस मामले में इस्तीफा दें। आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड के संयोजन व जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी अल्मोड़ा के मार्गदर्शन में जनपद अल्मोड़ा के काकड़ी घाट स्थित विवेकानंद तपोस्थली में योगा लाइव स्ट्रीमिंग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लाइव स्ट्रीमिंग में 100 से अधिक योग साधकों ने प्रातःकाल एकत्रित होकर योग प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। योग प्राणायाम और ध्यान के इस मुख्य कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक मंजू बोरा, गरिमा, दीपा, अजय और पूजा ने लोगों को योग प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग अल्मोड़ा के द्वारा विवेकानंद तपोस्थली काकड़ी घाट में योग क्रिया का अभ्यास किया गया। यहां पर समस्त प्रतिभागियों को शारीरिक एवं मानसिक शांति हेतु योग एवं प्राणायाम की महत्ता को समझाया गया। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत टिहरी जनपद के भ्रमण पर पहुंचे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धुआंधार आगरा खाल खाड़ी व चंबा आदि स्थानों पर फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के परिणामों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि चुनाव से पहले ऐसा लगता था कि लोकतंत्र एक ही व्यक्ति में समाहित हो गया है, मगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक सशक्त विपक्ष के रूप में उभरा है जो लोकतंत्र की रक्षा और देश के जनहित के मुद्दों पर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगा। एक सशक्त गठबंधन के रूप में अब संसद में उपस्थित है और इसका प्रभाव लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा और जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा पर पड़ेगा। पहले ऐसा लग रहा था कि सारा लोकतंत्र एक ही व्यक्ति में समाहित हो गया और संविधान, संसदीय संस्थाएं सब नकारा हो गई थी। उस स्थिति को में बदलाव आएगा इसकी हमको उम्मीद है और हम एक सशक्त विपक्ष देने का प्रयास करेंगे। देश की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया, बहुत सारे एरिया बदलाव के साथ गए, कुछ एरिया बदलाव के साथ कदमदार नहीं मिला पाए, जिनमें हमारा उत्तराखंड भी है। मैं
ऐसी पीढ़ी तक जा रहा हूँ, ज़रा सा लोगों से बातचीत करूँगा, ये समझने का प्रयास करूँगा कि जब शेष भारत बदलाव की तरफ जा रहा था तो हम उत्तराखंड के लोग क्यों नहीं बदलाव में शामिल हो सके। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के पावन स्नान पर्व पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालु सुबह से ही हर की पैड़ी पर जुटने लगे और गंगा स्नान व दान कर पुण्य कमाया। वहीं हर की पैड़ी पर इतनी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य महाराज ने भी कनखल में गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान किया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैंतोली में बीते शनिवार को हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो ड्राइवर 20 सीट में फास्ट था, लेकिन इसमें दो चालक सहित 26 लोग सवार थे। गुरुग्राम से रुद्रप्रयाग तक ये वाहन बेहद अड़क आ गया, लेकिन तीर्थयात्री नहीं होने के कारण किसी भी बैरियर पर इसकी चेकिंग नहीं हुई। सभी लोगों ने एजेंसी के माध्यम से टेम्पो ट्रैवलर की बुकिंग की थी, जिसमें अधिकांश पहली बार उत्तराखंड आए थे। जिला आपदा विभाग और परिवहन विभाग उस एजेंसी को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि क्षमता से अधिक सवारियां भी हादसे का कारण रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग हादसे के पीड़ितों से मिलने एम्स ऋषिकेश पहुंचे। यहां पर सीएम धामी ने हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।